ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबुडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। आइए अब हम उस व्यक्ति से बात करेंगे जिस पर कल क्रोकोडाइल ने अटैक किया था। तो आप कितना बजे सुबह निकला था? आप सुबह हम लोग फिशिंग में 4 बजे निकले। फिशिंग में 4 बजे, कौन सा जगह? जो बोट डूबा वाला आगे। जी जी जी, आपके साथ कितने लोग थे? आपके साथ चार लोग थे। तो आपको क्या लगता है आपको पर किस चीज ने अटैक किया? आपने अपना आपने अपने आंखों से देखा है उसे, और आपने सेल्फ डिफेंस में आपने क्या किया उस समय? अरे पहला राउंड में डाला उसका दाग में लगा। जी, दूसरा राउंड में डाला उसका आंखी में लगा करके जी आंखी में हाथ डाले। तो MLC रिपोर्ट में अब आपने क्या लिखा है कि क्रोकोडाइल अटैक करती है? क्रोकोडाइल अटैक मेडिकल में। देखिए, आप लोग जो है ये मच्छी मार के ही अपना घर चलाते हैं, और सुनने में ये आया है कि आप लोग बोट लेकर जो है नॉर्थ बे के वहाँ से आप लोग माया बंदर जा रहे थे। सर ये बात सच है? तो आप लोग का जो है रोजी रोटी जो है ये मच्छी मारने से ही चलता है। तो अगर ऐसा ये दोबारा अगर ऐसा किसी के साथ हुआ या ये हुआ तो मतलब उसमें किसी न किसी की भी जान भी जा सकती है। और आपको क्या लगता है अभी आप लोग जो है जैसा आप लोग मच्छी मार रहे हैं, आप लोग सेफ है? अब अभी आपका क्या यहाँ पर CT स्कैन हुआ था, राइट? तो आपको अभी मतलब कितना इंजरी हुआ है आपको? कितना सिलाई लगा? सामने में 30। कितना? 30 सिलाई लगा आपको? और पीछे में भी है? पीछे में पीछे पीछे दिखाइए ना सर। पीछे तो कहाँ दिखिएगा? अभी नहीं दिखेगा ना। अभी CT स्कैन भी हुआ है। तो इनका नाम जो है वो है राकेश, और ये कल जो है मच्छी मारने गए थे। और हमेशा की तरह ये देखिए, ये फिशरमैन कम्युनिटी के ये, और ये बंदा जो है ये माया बंदर का रहने वाला है, क्रेन कम्युनिटी से है। नमस्कार, नुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीवबंद अस्पताल के यहाँ पर, और हम आपको बता दें कल जैसा एक हादसा हुआ था क्रोकोडाइल अटैक, और इससे पहले भी हमने एक न्यूज़ कवर किया था जो न्यू मंगलुटान में एक व्यक्ति के साथ हुआ था ये क्रोकोडाइल अटैक, जिसमें उनकी जान चली गई। लेकिन कल जो हादसा हुआ उसमें उस व्यक्ति की जान बच गई, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रोकोडाइल अटैक में जो है उसकी जान बची। क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऐसे मामले होते हैं क्रोकोडाइल अटैक के, ज़्यादातर लोगों की जो है इसमें जान नहीं बचती। तो अब जो अटैक हुआ था, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे, और हमने उस व्यक्ति से बात की है। उस व्यक्ति का नाम है राकेश, उनकी एज है 27, और वो मायाबंदर का रहने वाला है, और नॉर्थ बे आइलैंड के वहाँ पर जो है वो फिशिंग कर रहा था। जो है फिशरमैन लोग है, ये लोग मायाबंदर से बिलोंग करते हैं, ये लोग क्रेन कम्युनिटी के हैं। तो हमेशा की तरह अपना पेट पालने के लिए ये लोग जो है फ़िशिंग करते हैं। तो फ़िशिंग के दौरान ही और इन ये लोग जो है वहाँ पर लॉबस्टर, अन्य आदि जो भी चीज़ है वो लोग का शिकार करते हैं। तो जब शिकार करते समय, उसी समय जो है उनके ऊपर, राकेश के ऊपर जो है क्रोकोडाइल ने अटैक किया। उनके एक साथी हमारे साथ है, हम उनसे जानते हैं और उस बोट में कितने जन थे और ये लोग कहाँ जा रहे थे और किस जगह पर हुआ, ये हम से जानते हैं। आपका नाम? सोहिल भट्ट जी। बताइए, ये हादसा कल कितने बजे हुआ? 5:30 आसपास जी। और ये हादसा होने का समय आप लोग कहाँ पर थे? पानी में थे, मतलब नॉर्थ बे क्या बोलता है, नींबू
नींबू बगीचा हाँ वहीं पे। तो आप ये बताइए ना करीबन कितना बजे उन्हें अस्पताल लाया गया? 6 बजे पहुँचा अस्पताल। 6 बजे तो पुलिस रिपोर्ट में क्या आया? पुलिस रिपोर्ट में तो मालूम नहीं जी। तो आप उनके साथ थे और आपके साथ और कितने लोग थे? टोटल 4 जन थे। 4 जन तो आप लोग हमेशा ही जो है फिशिंग करते हैं राइट? और हमें ये पता चले है कि आप लोग जो है अपना घर मच्छी मार के ही जो है अपना घर चलाते हैं आप लोग? जी हाँ सही। तो इस तरह का हादसा देखिए, जैसा आप लोग फिशिंग करते हैं तो इस तरह का हादसा अगर किसी के साथ हो जाता है, आप लोगों में से किसी के साथ, आज देखिए आज उनकी जान बच गई, लेकिन कल अगर कुछ हो जाता है उसमें या किसी की जान चली जाती है तो इससे आप लोगों का घर तो नहीं चल सकेगा। और ये तो बहुत ही गलत है ना, देखिए हर जगह जो है मगर आदमी लोग को मतलब लोगों को जो है खा रहा है, मतलब ऐसे जगह है जहाँ पर लोग पहले कभी मगर का चेहरा ही नहीं था, लेकिन अब जो है सारे जगह पर जो है मगर फैल गए हैं। तो आपको इसमें क्या कहना है? मतलब मुश्किल है हम लोग के लिए, मगर फैल गए तो जी क्यों जाता। अभी हमें ये सुनने में आया करीबन 30 जो है उन्हें सिलाई लगी है सिर पर, 30 स्टिचेस लगे हैं। 40 पीछे भी ऐसा ही नहीं भी है इधर जी, 40 टोटल इतने स्टिचेस लगे हैं। और जब अटैक हुआ उनके सिर पर फुल जो है बाइट नहीं किया, अगर फुल अगर वो अपने जॉ से अगर जकड़ता तो उसी समय जो है हेड इंजरी, बहुत ही बड़ा इंजरी हो सकती थी या उसमें उनकी जान भी जा सकती थी राइट? हाँ सही बात। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू? हम लोग इतना दूर महिमंद्र से आया ना, ऐसा मतलब ऐसा हादसा हमेशा होगा तो हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता, मतलब घर चलाना कुछ भी मुश्किल हो जाता। आप लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है, अगर इसमें अगर कुछ देखिए अच्छा हुआ कि उस जो व्यक्ति आपके आपके साथ था उसमें उसकी जान नहीं गई, अगर कुछ हो जाता तो उनके घर वालों उनका घर कौन चलाता? और ऐसा लोग जो है आपके वहाँ से जितने भी लोग हैं ज़्यादातर हमें ये सुनने में आए आपके समुदाय के लोग मोस्टली जो है वो फिशिंग करके ही अपना घर चलाते हैं। वो सही बात है जी, हम लोग वही काम करते हैं, मतलब जी दो बार रोटी के लिए वही फिशिंग करते हैं, वही सब सही है। और हम आपको ये बता दें नॉर्थ बे के वहाँ पर हुआ है और वहाँ पर सबसे मोस्टली अब आती है इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ पर जो हादसा हुआ है ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर जो है वाटर एक्टिविटीज़ होती है, गेस्ट आते हैं वहाँ पर दूर से जो है, वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट है वो आते हैं तो वहाँ पर जाते हैं मोस्टली, वहाँ पर जितने भी स्कूबा वगैरह जितने भी वाटर एक्टिविटीज़ है वो होता है। अगर ये चीज़ जो यहाँ के लोकल्स के साथ हुआ है, अगर ये वहाँ के टूरिस्ट के साथ होता ये मुद्दा जो है कितना बड़ा हो जाता। और जैसा ये हुआ है ये जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत है, लेकिन हम ये भी कहना चाहिए कि अगर ये कोई टूरिस्ट के साथ होता तो टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता। और ख़ास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी जब हमने न्यू मंगलुटान में न्यूज़ कवर किया था तो वहाँ पर भी कई लोगों ने वहाँ पर भी बताया था कि मगरमच्छ को जो है लाकर छोड़ा जाता है। तो आज ऐसी जगह पर मगरमच्छ मिला है और जहाँ पर लोग स्विमिंग करते हैं वहाँ पर लोग वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और स्कूबा एक्टिविटी जो भी होता है, अगर वहाँ पर उस होते समय अगर कोई टूरिस्ट के ऊपर अटैक हो जाता तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन क्या जवाब देता, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन? हम यही कहना चाहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि आए दिन जो है हर जगह के किनारे में, हर समुंदर किनारे में जो है मगरमच्छ दिखाई देता है। हम आपको ये बता दें कि कभी जो है इससे पहले अफवाह भी था, ये अफवाह था कि सच में देखा गया था, लेकिन कार्विन स्कोप वंडूर में तो है और भी कई जितना भी मतलब इस तरह टूरिस्ट स्पॉट है सारा जगह पर जो है मगरमच्छ को देखा गया है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप टूरिस्ट स्पॉट जो है वो नाम हटाकर आप क्रोकोडाइल सेंचुरी या क्रोकोडाइल स्पॉट आप वहाँ पर रख दीजिए ताकि वहाँ पर लोग ना जाएं। और कम से कम इसमें किसी की जान तो नहीं जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि
एक हादसा होकर एक महीना भी नहीं हुआ है और अभी जो है फिर एक हादसा हुआ, वो तो इसमें ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उसमें उसकी जान नहीं गई, लेकिन करीबन जो है 40 से ज़्यादा जो है उन्हें स्टिचेस लगे हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं और न्यूज़ अब तक के द्वारा हम अपने दीपवासियों को एक यही कहना चाहते हैं कि अंडमान निकोबार प्रशासन प्लीज़ इसके ऊपर आप ध्यान दें, और लोगों से भी हम अपील करते हैं कि ऐसे जगह पर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, आपके घर वालों जो भी वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि आजकल हम नहीं बता सकते कि कौन जगह मगरमच्छ है या नहीं है, क्योंकि जो जगह लोग स्विमिंग करते थे आजकल वो जगह पर आना शुरू हो चुका है। हम आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से बस एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर इसमें कोई टूरिस्ट के साथ ये हादसा हुआ होता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता, बस हमारा एक ही सवाल है, क्योंकि आज जो बंदे के साथ हुआ है वो क्रेन कम्युनिटी से है और वो माया बंदर से बिलोंग करता है, और उनकी घर की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वो लोग जो है फिशिंग से ही अपना गुजारा चलाते हैं, लेकिन ये अगर एक टूरिस्ट के साथ हुआ रहता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता। कहीं ना कहीं जो है लपेटे में जो गेस्ट जिनके थ्रू आते हैं टूर ऑपरेटर, या तो वो आएगा या तो लोग जो स्कूबा करते हैं जो इंस्ट्रक्टर होता है एक्सेट्रा या जो कंपनी से करते हैं, तो ये चीज़ उन लोगों के ऊपर आएगा, लेकिन इसमें गलती उन लोगों की नहीं है। हम आपको सिंपल बता दें, गलती इसमें उन लोगों की नहीं है, गलती है प्रशासन की और ख़ास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, क्योंकि आप लोग ऐसे ऐसे जगह पर जो है मगर को छोड़ा जाता है जहाँ पर लोग स्विमिंग करते हैं, आजकल जो है हर जगह जो है मगर यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो प्लीज़ लापरवाही आप लोग कम कीजिए, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, और जितना हो सके ये न्यूज़ को आप शेयर करें और जितने लोग देखेंगे, बस हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह हादसा और किसी के साथ ना हो। तो इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।